हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लुक ऑन टू कुक ऑन। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ड्रिंक्स बनाने जा रहे हैं जिनके बारे में सभी न्यूट्रिशनिस्ट का कहना यही है कि वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल तो होते ही हैं, साथ ही साथ वेट कम करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये सभी ड्रिंक्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्लैक करंट स्मूदी। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लैक ग्रेप्स ले लेंगे। उसको हम थोड़े से पानी में नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर 15 मिनट भिगो कर रखेंगे। हल्दी ग्रेप्स में जो केमिकल मिले होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देगी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे, 5 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। जितने हमने ग्रेप्स लिए हैं उससे आधा हम पानी लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून शक्कर मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने पीसी हुई चीनी मिलाई है क्योंकि आसानी से घुल जाए। इसे अच्छी तरह मिलाकर इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट कुक होने के बाद आप देखेंगे कि पानी का कलर ग्रेप्स के कलर का हो गया है। तो अब हम इसे दबा कर देख लेते हैं। ये अच्छी तरह दब रहे हैं, मतलब ये हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे अच्छी तरह ठंडा कर लेते हैं। ऐसे जो ड्रिंक्स होते हैं वो न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे कि बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो हमें इस तरह के ड्रिंक्स ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो देखिए, अब ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे जार में डाल लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शक्कर। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 चम्मच और डाल सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें डाला है फ्रोज़न मिल्क। मिल्क को आप इसी फॉर्म में डालें, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह से। ध्यान रहे कि ग्राइंडर को हमें एक साथ ना चला के इसे जग्स में चलाना है। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने से जो इसके मोटे मोटे थोड़े बहुत छिलके रहेंगे वो भी अलग हो जाते हैं और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, इसीलिए इसे स्मूदी कहा जाता है। इसका जो मटेरियल बच जाता है उसे आप वेस्ट ना समझें। इसे आप एंटी रिंकल फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब हम एक ग्लास ले लेते हैं। ये मैंने ब्लैक ग्रेप्स का थोड़ा सा जूस बना कर रखा है, जिसे हम ग्लास के चारों ओर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे ग्लास के चारों ओर स्मीयर कर लिया है। अब हम इसमें जूस डाल लेते हैं जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम और ऊपर से ग्रेप्स से इसको गार्निश करेंगे। अब हम इसे नींबू की स्लाइस से थोड़ा और गार्निश करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही कम समय में बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार है हमारी ब्लैक करंट स्मूदी। तो आप मज़ा लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली ड्रिंक की तरफ, जिसका नाम है मोइटो पंच, जो कि मूड एलिवेटिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जो कि आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देगा क्योंकि इसमें मिंट भी है, लेमन भी है। तो चलिए हम बिना देर किए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेप्स को बहुत अच्छी तरह धो लेते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ग्रेप्स के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर सा होता है जो कि बावेस्टिन नाम का केमिकल होता है, इसलिए इसे अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है, एक बोल में निकाल लेते हैं और अब हम इसे ग्राइंडर में डाल लेते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे 3 टेबलस्पून शुगर, अगेन पीसी हुई शुगर, थोड़े से पुदीने के पत्ते और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसे भी जग्स में ग्राइंड करना है हमें। इसे थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद हम इसमें आइस क्यूब्स डाल लेते हैं। आइस क्यूब्स डालने के बाद हम इसे और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। इसका जूस तैयार है। अब हम इसका मोइटो बनाते हैं। जूस को पहले हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसका भी जो पल्प बचकर तैयार होता है उसे भी आप फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब हम एक छोटा सा बोल लेते हैं जिसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते, लेमन आधा लेमन लिया है मैंने, जिसे मैंने चार हिस्सों में काट लिया है, और सारे बीज इसमें से आपको अलग कर लेने हैं। छिलका इसमें रहेगा लेकिन बीज आपको बिल्कुल अलग कर लेने हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पाउडर शुगर। अब हम एक बेलन ले लेते हैं, या फिर बेलन की जैसे कोई दूसरी कुटनी लेकर इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। अगर इस समय एक भी नींबू का बीज रह गया तो ड्रिंक में कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हमें बीज बहुत ध्यान से इसके अलग करने हैं। ये क्रश हो चुका है। अब हम चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ, जिसमें मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीना। ग्लास की ऊपर साइड में हम नींबू लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे पुदीना पाउडर में डिप कर लेते हैं, जिससे ग्लास की जो एज होती है उस पर पुदीना अच्छी तरह चिपक जाता है और इससे ग्लास बहुत सुंदर दिखता है। अब हम इसमें जो हमने क्रश करके रखा था उसे डाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो ग्रेप्स का जूस बना कर रखा हुआ था हमने। अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे। सोडा की जगह आप स्प्राइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों पसंद नहीं करते तो आप चिल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आपका ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी है, जिसमें मिंट भी है, लेमन भी है। ये आपको पूरी तरह से रिफ्रेश कर देगा। इसे भी हम गार्निश कर लेते हैं थोड़े से ग्रेप्स और लेमन के साथ में। तो आप इसे फटाफट से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ड्रिंक आपको कैसा लगा। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी अगले ड्रिंक की तरफ, जिसका नाम है ब्लैक करंट पंच, जो कि गर्मियों में राहत देने वाला सूदिंग ड्रिंक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये वेट कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ ब्लैक ग्रेप्स। उसे हम हल्दी पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम इसे ग्राइंडर में डालकर कुछ पुदीना के पत्ते और शुगर पाउडर ऐड कर लेते हैं। इसमें 3 चम्मच शुगर पाउडर लिया है मैंने, थोड़ा सा मैंने लिया पुदीना पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल ब्लैक सॉल्ट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब और इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर लेते हैं, जिसे ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। इसे भी हमें जग्स में ग्राइंड करना है। अब ये अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है, हम इसे भी छान लेंगे। अब इसके बाद हम एक ग्लास लेंगे। ग्लास में हम डालेंगे 3 से 4 ग्रेप्स और बस। अब हम इसमें जूस डाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें भी आप स्प्राइट या कोई और ड्रिंक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें सोडा डाला है। आप आधा सोडा और आधा जूस डालकर इसे सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसे भी हम लेमन और ग्रेप से गार्निश कर लेंगे। थोड़े से डालेंगे पुदीना के पत्ते। अब ये ड्रिंक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट से ये ड्रिंक तैयार करिए, क्योंकि ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और ड्रिंक्स आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।